हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशन वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स आर कॉल्ड। लीव सरफेस पे जो टेनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट्स क्या करते हैं, इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट्स क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेप्रोट्रॉप्स। देखिए यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सेप्रोट्रॉप्स कौन से हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है सेप्रोट्रॉप्स से बिलोंग करते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड, लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं, उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए CO2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म के हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी लीचेंस राइजोबियम एंड अ लेगम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री, प्लांट के कौन से पार्ट जो है फूड फैक्ट्री कहलाते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीव्स। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 9। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज, प्लांट्स में जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट, इनमें से कौन से जो है पैरासाइट के एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी कैस्कटा। ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज एज हेटरोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो पिक्चर प्लांट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिएंट, इसमें से न्यूट्रिएंट कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, प्रोटीन भी न्यूट्रिएंट है, फैट भी न्यूट्रिएंट है और विटामिन भी न्यूट्रिएंट है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट देखते ये मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने के कारण मैं आपके लिए सेलेक्ट की हूँ, आप देख लीजिए यहाँ कॉलम ए कॉलम बी यहाँ क्वेश्चंस है, ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप पैरासाइट सेप्रोट्रॉप्स सिम्बायोन इंसेक्टिवोरस। स्टूडेंट्स यदि आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में जब आपके क्वेश्चंस आते हैं वन वर्ड या गिव टू एग्जांपल्स, तो अगर आप ये सॉल्व किए रहेंगे तो अगर आप ऑटोट्रॉप के टू एग्जांपल्स लिखने आ जाएं तो आप अगर आप नहीं जानते हैं तो ये सॉल्व किए रहेंगे तो एक एग्जांपल तो 100% श्योर के साथ लिख लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑटोट्रॉप्स एल्गई हेटरोट्रॉप मैन पैरासाइट कैस्कटर, नेक्स्ट सेप्रोट्रॉप फंगी
सिम्बायोंट लीचेन इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट। आप इसे इजली सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे मेरे सेकेंड चैनल स्टडी विद दीप पे, तो आप ये इजली सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोगों का ये MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोज़ लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी और चैप्टर के MCQ क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और भी चैप्टर के वीडियोस अपलोड है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।